नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट भगत सिंह और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जगतपुरा के अंदर बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी जो कि 4 BHK फुल डुप्लेक्स हाउस होने वाला है। प्रॉपर्टी की साइज की अगर मैं बात करूं, हाउस की साइज की अगर मैं बात करूं तो ये 100 गज के अंदर बना हुआ है। इसके फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो 20 का इसका फ्रंट है एंड 45 की इसकी डेप्थ है। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा सा ये घर बनाया गया है आपके लिए। आप इसका फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा इसमें डिजाइन दिया गया है। हाउस की प्रॉपर लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये जगतपुरा के 7 नंबर बस स्टैंड से महज 2 मिनट की दूरी पे अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे लाइफ टाइम तक। आपका पूरा सपोर्ट चाहिए, पूरा प्यार चाहिए, तो आप हमें प्यार दिखाइए और कमेंट्स कीजिए कि हमारा ये वीडियो या ये विला जो हम आज आपको दिखाने वाले हैं वो आपको कैसा लग रहा है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस विला का टूर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो आयरन का गेट है ये लगभग 1 टन के आसपास का है, लगभग 100 किलो के आसपास का है। और इसकी जो मोटाई है काफ़ी शानदार है, काफ़ी मजबूत ये बना हुआ है, बहुत ही शानदार है। आप इसकी मोटाई यहाँ से इसकी विड्थ देख सकते हैं, काफ़ी शानदार इसकी विड्थ आ रही है। एंड दूसरी साइड अगर गेट के ऊपर हम बात करें तो यहाँ पर एक प्यारा सा टफन ग्लास लगा के अपने को दिया जा रहा है। एंड उसके बाद में हम बात कर लेते हैं दोस्तों पोर्च एरिया की। तो पोर्च एरिया के अंदर अगर आपके पास एसयूवी कार है, एसयूवी कार तो इजीली यहां पर पार्क हो सकती है। बहुत ही शानदार साइज के अंदर अपने को पोर्च एरिया मिल जाता है। फिर दोस्तों यहां की हम बात करें तो यहां पर आपको फुल साइज विंडो दी गई है एंड बहुत ही प्यारा सा अपने को गेट मिल जाता है। ये इसका सेकेंड डोर है, सेकेंड एंट्री है। एंड हम आपको दिखाना चाहते हैं इसकी फर्स्ट एंट्री। ये इसका लोबी का एरिया जाता है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा है। आप इस गेट की मोटाई देख सकते हैं, इसकी विड्थ देख सकते हैं, बहुत ही काफी काफी अच्छी इसकी विड्थ है और बहुत ही शानदार वुडन का ये बना हुआ है। अब हम दिखाने वाले हैं दोस्तों इसका प्यारा सा होल। होल की साइज की अगर बात करूं तो दोस्तों 12x14 की काफी शानदार ह्यूज साइज अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपके लिए वैनिटी लगाई हुई है एंड इस साइड किचन है, तो अपन किचन की बात थोड़ी देर बाद में करेंगे। सबसे पहले अपन कर्टन्स की बात कर लेते हैं। कर्टन्स जो है दोस्तों वो बिल्कुल जो बाई बांधना है आप देख सकते हैं, जो बाई बांधना है एंड जो वॉलपेपर लगा हुआ है उन दोनों के कलर के मैचिंग के यहाँ पर कर्टन्स और बहुत ही बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी के यहाँ पर कर्टन्स लगाए गए हैं। एंड आगे हम बात करें इसके वॉलपेपर की, तो वॉलपेपर की खूबसूरती है काफी, वॉलपेपर काफी खूबसूरत है, काफी अच्छा है, यूनिक सी डिजाइन अपने को मिल रही है यहाँ पे दोस्तों। होल का जो एलईडी पैनल है वो काफी शानदार, काफी खूबसूरत सा यहाँ पर डिजाइन किया गया है और पूरा वुडन के अंदर इसका कार्य किया गया है, जो आप साइड के अंदर देख रहे हो ग्रे कलर के अंदर। इनके ऊपर ये भी वुडन ही है, इनके ऊपर कलर किया गया है। एंड जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है दोस्तों, जो कॉम्बिनेशन जो इसका बन रहा है वो काफी खूबसूरत सी अपने को फील दे रहा है। इसके बाद में दोस्तों अपन बात कर लेते हैं किचन की। लेकिन किचन के सामने आप देख रहे होंगे इतने सारे वुडन्स किस काम के लिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस विला के अंदर सबसे खास बात यही है कि इसके अंदर कंप्लीट जो कार्य है वो वुडन का किया गया है। इसके अंदर कम से कम 40% जो वर्क है वो वुडन का हुआ है और बहुत ही प्रीमियम फील ये अपने को देता है। वैनिटी के बारे में मैंने आपको जैसे बता ही दिया था पहले। एंड अब इसके ऊपर की बात कर लेते हैं, जो ऊपर फॉल सीलिंग है ये काफी यूनिक सी डिजाइन की दी गई है दोस्तों, बहुत ही प्यारा इसका लुक आ रहा है। एंड जो प्रोफाइल लाइट है ये भी काफी खूबसूरत है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसके किचन की। किचन की साइज काफी अच्छी है, बहुत ही प्यारा ये किचन बनाया हुआ है एंड कंप्लीट आई होप हाइड्रोलिक है, हाँ कंप्लीट हाइड्रोलिक किचन ये अपने को मिल जाता है। एंड ये जो नीचे की रैक्स है ये भी कंप्लीटली आपको हाइड्रोलिक मिल जाती है। आपको यहाँ पर चिमनी इंस्टॉल करने की जगह दी गई है और काफी अच्छे से इस किचन को डिजाइन किया गया है। साथ ही इस किचन के अंदर यहाँ पर काफी एक अच्छा अपने को वेंटिलेशन एरिया मिल जाता है, जो कि ऊपर से नीचे तक पूरा खुला हुआ है, आप इजीली देख सकते हैं। आ गया, काफी अच्छा वेंटिलेशन एरिया अपने को मिल जाता है। एंड किचन जैसे आपने देख लिया, बहुत ही प्यारा इसका किचन है दोस्तों। इस विला का प्राइस मैं आपको बताना चाहूंगा, 1 CR इसका प्राइस होने वाला है, प्राइस नेगोशिएबल है।
बिल्डर के कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएंगे। दोस्तों इसके बाद में दिखाते हैं इसका फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम काफी शानदार, काफी लग्जरियस फील आपको देने वाला है। बहुत ही प्यारी इसकी साइज है दोस्तों, 12x12 का ये बेडरूम होने वाला है। बहुत ही प्रीमियम सी लुक अपने को दे रहा है। और जो आपने जो अभी बाहर जो विंडो देखी थी वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर, वो विंडो यही है दोस्तों। आपको फुल विंडो यहाँ पर मिल जाती है, जो कि काफी प्रीमियम सा अपने को लुक देती है, काफी प्रीमियम फील देती है। एंड साथ ही हम बात करें, इसके अंदर जो फॉल सीलिंग की गई है वो काफी प्रीमियम फॉल सीलिंग है। एंड जो प्रोफाइल लाइट्स का जो लुक्स है दोस्तों, जो कलर है वो भी काफी प्रीमियम है। दोस्तों वॉलपेपर की अगर हम बात करें तो काफी शानदार और काफी जबरदस्त वॉलपेपर यहाँ पर अपने को इस वॉलपेपर की क्वालिटी मिल जाती है। एंड उसी के साथ साथ जो अलमीरा है दोस्तों, वो भी पूरी वुडन की बनी हुई है। एंड काफी शानदार स्पेस अपने को इसके अंदर मिल रहा है। एंड एंड आगे की बात करते हैं, इस रूम में भी दोस्तों आपको काफी खूबसूरत सा वुडन का बना हुआ एलईडी पैनल मिलेगा, काफी बिग साइज का एलईडी पैनल मिलने वाला है। साथ ही अपने को ऊपर की तरफ एसी का पॉइंट मिल जाता है। एंड इस साइड से भी एक और एंट्री है दोस्तों, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आई थिंक ये शायद बाहर से लॉक है। एंड उसके बाद में बात करते हैं इसके मास्टर बेडरूम की। दोस्तों मास्टर बेडरूम से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसका लेट बाथ। मास्टर बेडरूम से पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसका लेट बाथ। काफी शानदार और ह्यूज साइज के अंदर इसका लेट बाथ बना हुआ है। जो फिटिंग्स है दोस्तों, ये कंप्लीट सेरा कंपनी की फिटिंग्स दी गई है। प्रॉपर वेंटिलेशन की सुविधा आपको दी गई है। काफी शानदार स्पेस के अंदर ये बना हुआ है। एंड उसके बाद अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम की साइज की अगर बात कर लेता हूँ दोस्तों, 12x12 की इसकी भी साइज होने वाली है। काफी शानदार और ह्यूज साइज के अंदर ये अब बना हुआ है। इसके अंदर जो आप देख रहे हैं, यहां पर आपका लगेगा दोस्तों बेड। बेड के चारों तरफ आप इसका जो वुडन का देख रहे हैं, जो वुडन का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार आपको फील देने वाला है। एंड इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अलमीरा की। दोस्तों इस रूम के अंदर भी आपको फुल अलमीरा मिलने वाली है। साथ ही साथ ऊपर की जो इसकी जो प्रोफाइल लाइट है एंड इसका जो फॉल सीलिंग है, वो बहुत ही खूबसूरत डिजाइन इसके अंदर मिल रहा है। आपको हर रूम के अंदर कुछ ना कुछ दोस्तों चेंजेस मिलते ही रहेंगे। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एलईडी पैनल की। काफी शानदार इसके अंदर एलईडी पैनल दिया गया है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लॉबी एरिया की बात करें, वेंटिलेशन एरिया की बात करें, तो यहाँ पर अपने को वेंटिलेशन एरिया भी काफी शानदार मिल जाता है। आप इसको वॉशिंग एरिया के रूप में भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। ऊपर से काफी अच्छा वेंटिलेशन आपको मिलता रहेगा। एंड हम बात कर लेते हैं इसके बाथरूम की। बाथरूम इसके अंदर दोस्तों मिल जाता है आपको अटैच बाथरूम, जिसकी साइज काफी शानदार होने वाली है। काफी ह्यूज साइज के अंदर बना हुआ है। माफी चाहेंगे, थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि अभी बल्ब नहीं लगा है बाथरूम के अंदर, इसलिए हम आपको ज्यादा दिखा नहीं पाएंगे इसके अंदर। अब हम चलते हैं दोस्तों फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ये तो हो गया था अपना कंप्लीट ग्राउंड फ्लोर, अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी दोस्तों इससे भी ज्यादा खूबसूरत आपको देखने को मिलने वाला है। तो बहुत ही प्यारी इसकी सीढ़ियां होने वाली है। सीढ़ियां जो बनाई गई है दोस्तों, ग्रेनाइट की बनाई हुई है। एंड आपको सीढ़ियों के अंदर प्रोफाइल लाइट्स देखने को मिल जाती है। साथ में ही जो ग्लासेस यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसकी खूबसूरती के अंदर चार चांद लगा देते हैं। एंड उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अब हम आ चुके हैं दोस्तों इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर काफी खूबसूरत होने वाला है। बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से इस विला को बनाया गया है। बिल्डर ने जो बनाया है काफी खूबसूरत बनाया है। इंसान की हर एक नीड इसने पूरी की है। बहुत प्यारा सा इसके अंदर अपने को एलईडी पैनल मिल जाता है। एंड यहाँ पर आप जो वॉलपेपर देख रहे हैं, वो भी काफी खूबसूरत सा वॉलपेपर अपने को दिया गया है। इस हॉल के अंदर दोस्तों आपको दो डबल फैन मिल जाते हैं। एंड साथ में जो फॉल सीलिंग है वो काफी अच्छी और काफी खूबसूरत से इसे डिजाइन किया गया है। बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर लिया गया है। ऊपर भी दोस्तों आपको किचन देखने को मिल जाता है, जो काफी शानदार है। सबसे पहले हम आपको किचन दिखा देते हैं इसके अंदर। इसके अंदर किचन दोस्तों काफी अच्छी रोशनी है और आप आराम से देख भी पाएंगे इस किचन को। आप पूरा व्यू इसका ले सकते हैं दोस्तों। कंप्लीट विला के अंदर वुडन का कार्य किया गया है, जो आप देख ही रहे हैं।
प्राइस मैं आपको फिर से बता देना चाहूंगा दोस्तों, इस फ्लैट की प्राइस है 1 करोड़ रुपीस, वो भी नेगोशिएबल है। एंड इसका ये ऊपर का जो बाथरूम है वो होने वाला है, ऊपर के लेट बाथ होने वाले हैं। इसके अंदर भी आपको कंप्लीट पूरी सुविधाएं मिलने वाली है, सेरा कंपनी की फिटिंग मिलने वाली है। साथ में दोस्तों अगर इसके मास्टर बेडरूम, ऊपर का जो मास्टर बेडरूम उसकी बात करें तो उसकी वो सेम साइज है, वही सेम डिजाइन है, बस यहाँ पर जो वुडन का यूज किया गया है, जो सनमाइका का यूज की गई है, वो थोड़ा बहुत अलग अलग टाइप की यूज की गई है। नीचे थोड़ी डिजाइन अलग थी, यहाँ पर डिजाइन अलग है। एंड यहाँ पर भी दोस्तों आपको फुल अलमीरा देखने को मिल जाती है, साथ में आपको बालकनी देखने को मिल जाती है, जो बैक साइड का जो वेंटिलेशन एरिया है वो मिल जाता है, एसी के पॉइंट वगैरह सारी जितनी भी इंसान की नीड है ना दोस्तों, अगर आप 1 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च कर रहे हो तो आपको 1 करोड़ से ऊपर की चीजें इसके अंदर मिलने वाली है। एंड इसके बाद में इसका आ जाता है अटैच लेट बाथ, जो काफी शानदार है। अभी दिखा नहीं सकते क्योंकि अभी इसके अंदर अंधेरा है, लाइट्स वगैरह लगी नहीं है। यहाँ पर अपने को सेरा कंपनी की वैनिटी मिल जाती है, काफी प्रीमियम काफी शानदार सा लुक इसका मिल रहा है। फ्रंट का बेडरूम दिखा देते हैं दोस्तों, फ्रंट बेडरूम की साइज की अगर बात करो दोस्तों, वही 12x12 के काफी शानदार और काफी ह्यूज साइज के अंदर अपने को मिलने वाला है। बहुत ही प्यारी सी इस साइड आपको विंडो दी गई है जो आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद में इसके अंदर दोस्तों जो वॉलपेपर है वो भी काफी यूनिक और काफी डिफरेंट सा यहाँ पर अपने को इंस्टॉल करके दिया जा रहा है। एंड साथ ही यहाँ पर भी जो आप अलमीरा देख रहे हैं ये भी काफी खूबसूरत है, पूरी वुडन की बनी हुई है, फुल अलमीरा आपको देखने को मिल रही है। साथ में ही अगर हम बात करें इसके एलईडी पैनल की, तो एलईडी पैनल भी दोस्तों इसका काफी खूबसूरत काफी शानदार दिया गया है। यहाँ पर आप अपना कुछ सजावट का सामान रख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बालकनी की, बालकनी की साइज काफी अच्छी अपने को मिल जाती है, काफी शानदार सी बालकनी की साइज अपने को देखने को मिल जाती है। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।